हिंदू धर्म की लड़की को छूने का एक ही अंजाम होता है। इस देश में इतने कठोर, उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है ना, छोड़ो उसे हमारे हवाले, छोड़ो हम स्त्रियों के हवाले। और मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे जैसा सोच। टीवी सेट पर पहुंची फोरेंसिक टीम, फांसी के फंदे पे मिले खून के निशान, अब खुलेंगे मौत के राज कि कितने लोगों ने मिलकर मारा इस बेचारी लड़की को। तनिषा शर्मा सुसाइड केस में नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं। आरोपी माने गए शजान खान को 28 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। वही मंगलवार को पुलिस ने तनिषा का ब्लड सैंपल, कपड़े और ज्वेलरी जांच के लिए भेजे हैं। कलीना लैब से मास्टरा के पाल गश्ती उस जगह पर पहुंची जहां एक्ट्रेस का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने फांसी के फंदे पर खून के निशान लिए और तनिषा के कान से झुमके बरामद किए। पुलिस ने वह कपड़ा भी बरामद किया जिसके आधार पर तनिषा की डेड बॉडी फंदे से लटकी पाई गई थी। तो दोस्तों, अब साबित हो जाएगा कि ये एक फांसी थी, साइड था, या एक लव जियाद के चलते सरदा मर्डर केस की तरह इसके बॉयफ्रेंड ने इसको बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपके इस बारे में क्या विचार दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय गाइज़।